एक भैया वो कहते हैं मेरे हाथ कुछ देर ठंडे पानी में रहने के बाद इस तरह हो जाते हैं जैसे बूढ़े हो जाते हैं। अच्छा, वो ये हाथ भी अपना सेम किया है तो, और जी सुन भी हो जाते हैं। इसकी क्या वजह है, क्या वजह हो सकती है? कुछ माह पहले टाइफाइड बुखार हुआ था, उसके बाद से सर्दी भी बहुत लगती है और हाथ पांव ऐसे हो जाते हैं। इसकी क्या वजह हो सकती जी है? बिल्कुल। ये नासरीन इनके तस्वीर में जिस तरह से मैं इनको देख रही हूँ, इन्होंने अपने फिंगर्स की पिक भेजी है, वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पानी में खवातीन भी ज्यादा देर तक कपड़े धोती रहती हैं, और सर्दियों के मौसम में वो हाथ जो है ना झुर्रियां सी पड़ने लगती हैं हाथों के ऊपर, हाथ अपनी असलियत जो है ना असल वाली जिस्म को बैठते हैं। तो ये याद रखें कि हमारे जिस्म के ऊपर सबसे पहला जो पर्दा है, जो पहली लेयर है, वो है असामी, ठीक है। और इसीलिए तो देखें हम बहुत सेंसिटिव हैं, हमें थप्पड़ लगता है तो हमें महसूस होता है, और हमें हवा भी तेज तेज चले तो पता होता है कि हवा चल रही है, नहीं तो नहीं चल रही तब भी पता होता है कि गर्मी लग रही है, तब भी पता होता है। और इन्हीं असाब का डैमेज हो जाना, अल्लाह ना करे लकवा होता है और फालिज होता है, जो शेल हो जाता है जिसम, जिसका पता ही नहीं चलता कि अब हो क्या रहा है। तो हमेशा ठंडे पानी का इशू हो या फिर बहुत गर्म पानी में ज्यादा देर बिता रहे, तो फिर उसे जो कुछ महसूस होता है ये हमारी हिस्स है, पासे खमसा में से छूने की हिस्स है, और ये हमारे असाब के साथ अटैच है। और ये सिर्फ इनका ही मसला नहीं है, ये बहुत से लोगों का मसला है, और ये तकरीबन 80% लोगों का मसला है। इसलिए कि हमें असाब नहीं तो सब कुछ बताना है, कि पैगाम देना है कि भाई आप ये सोचें कि भाई ये आग है इसको हाथ ना लगाए, ये पानी है इसने ज्यादा देर हाथ रखा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि जैसे हाथ में जोड़े हुए हो, तो इसी वजह से कि हमारा जो वो पर्दा है ना वो फिर सुकड़ने लग जाता है, और इसी वजह से वो सुकड़ता है, फैलता है, वो फिर अपनी शक्ल बदल लेता है और वो हमारे हाथों की शेप हो जाती है इसी तरह की। तो वो कोई इशू नहीं है, वैसे इतना इशू नहीं है, ये थोड़ी देर बाद घंटे 2 घंटे के बाद ये अपनी जगह पे वैसे ही हाथ हो जाते हैं, इसको एक बीमारी ना समझे। लेकिन इन्होंने जैसे कहा कि हाथ पैर उसके अलावा इनके ज्यादा सूखती रहती है, तो अगर ये अपनी शुगर का टेस्ट करवाए तो ज्यादा बेहतर होगा। ऐसे ऐसे इंसानियत चैनल के वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम तर नोटिफिकेशन से बाखबर रह सकें।